दोस्तों, आज हम जो भी इस्तेमाल करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, इसमें बहुत बड़ा मेहनत छुपा है जो उन लोगों के है जिसने ये चीज़ सबसे पहले बनाया था। हमारे एक टूथब्रश से लेकर फ्लाइट तक हर एक चीज़ किसी ने इन्वेंट किया है। हम लोग ये सब चीज़ यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्वेंटर कौन है इसके बारे में हम नहीं सोचते। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इन्वेंशन के बारे में बात करने जा रहे हैं और इस इन्वेंशन को किसने इन्वेंट किया था। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम सब ने अपने ज़िंदगी में बहुत से एग्ज़ाम दिया है, ये चाहे स्कूल का एग्ज़ाम हो या फिर बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर इंटरव्यू हो या फिर जॉब के लिए एग्ज़ाम हो, ऐसे बहुत से एग्ज़ाम हम रोज़ देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये जो एग्ज़ामिनेशन है या फिर एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम किसने बनाया था? मतलब सबसे पहले एग्ज़ाम का फॉर्मूला किसने दिया था, मतलब एग्ज़ाम किसने शुरू किया था जो आज तक हम सब के ज़िंदगी में चल रहा है। 19वीं सेंचुरी में हेनरी फिशल नाम का एक प्रोफेसर ने एग्जामिनेशन का प्रथा शुरू किया और तब से आज तक ये एग्जाम चलता आ रहा है। आज दुनिया के लगभग हर एक इंसान के पास मोबाइल फोन है। आज की दुनिया कुछ ऐसा हो चुका है कि मोबाइल के बिना हम कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हो कि दुनिया के सबसे पहला मोबाइल का कंपनी क्या था? तो दुनिया के सबसे पहले मोबाइल के कंपनी का नाम था मोटोरोला। और मोटोरोला कंपनी ने ही 3 अप्रैल 1973 को पहला मोबाइल फोन लॉन्च किया था। आज के टाइम पे लगभग सभी लोग पबजी के बारे में जानते हैं और आप में से भी बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो पबजी खेलते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि पबजी बनाया किसने है? 2017 में ब्रेंडन ग्रीन ने पबजी बनाया था और यही दुनिया के सबसे पहला बैटल ग्राउंड गेम भी है। दोस्तों, हम सब छतरी का इस्तेमाल करते हैं, धूप में साया या फिर बारिश से बचने के लिए हम सब छतरी का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये छतरी यानी अम्ब्रेला का इन्वेंट कब हुआ था, छतरी का आविष्कार किसने किया था? इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन छतरी का इस्तेमाल 7000 साल पहले चाइना से शुरू हुआ। अब जब छतरी की बात हो ही रही है तो हम रेनकोट को कैसे भूल सकते हैं? आज जैसे कि अब बारिश का मौसम है तो हम सबको ही एक रेनकोट की ज़रूरत होता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि रेनकोट का आविष्कार किसने किया था? रेनकोट का आविष्कार चार्ल्स मैकिंटोश ने 1824 को किया था और इन्हीं के बदौलत आज हमारे पास रेनकोट है। आज के टाइम पे हम कहीं भी जाते हैं या फिर किसी भी काम करते हैं तो जूता या फिर शूज हम पहनते ही है। आज के टाइम पे जूता या शूज पहने बिना हम कहीं भी जाना पसंद नहीं करते। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि सबसे पहले जूता किसने बनाया था? 1883 में सनपसन जॉन मेटचलिजर ने शूज बनाया था यानी जूता बनाया था। आज पूरी दुनिया इंटरनेट पे चल रहा है, मानो इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आज इंटरनेट से हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं और बहुत सारे बिजनेसेस या फिर बहुत सारे वर्क इंटरनेट के माध्यम से ही हो रहा है। आज एक गेम खेलने से लेकर एक गाना सुनने से लेकर वीडियो देखने तक का हर एक काम इंटरनेट से हो रहा है। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, ये भी आप इंटरनेट से ही देख रहे हो। लेकिन क्या आपको पता है कि आज के ज़माने में जो इंटरनेट इतना यूज़फुल हो चुका है, ये इंटरनेट का इन्वेंट किसने किया था? तो इंटरनेट का इन्वेंट किया था रॉबर्ट ई खान और विंस सर्फ ने, और इन्हीं दो महान इंसान के वजह से आज हम इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं। दोस्तों, क्या आप ये जानते हो कि बाइक का इन्वेंट किसने किया था? हम जो बाइक पे घूमते हैं या फिर बाइक से राइड करते हैं, तो ये बाइक का इन्वेंट किसने किया था? तो 1885 में ईजे पनिंगटन और जेसेपी मोनिगाटी ने मोटरसाइकिल का इन्वेंट किया था। आप सब ने तो कार देखा ही होगा और आप सब में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो खुद कार भी चलाया होगा। लेकिन क्या आपको पता है सबसे पहले कार का इन्वेंट किसने किया था? तो कार का इन्वेंट कार्ल बेंज ने 1886 में किया था। आप सब ने एरोप्लेन तो देखा होगा और आप में से बहुत से लोग एरोप्लेन में सफ़र भी किया होगा।
आज के टाइम पे एरोप्लेन का सफर एक लग्जरी सफर माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था? तो एरोप्लेन का आविष्कार किया था 1903 में डी व्हाइट ब्रदर्स ने। दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बटन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर देना। और अगर ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ।